अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर जो है बताने वाली तो कोई बात नहीं है बल्कि मुज़हमत वाली बात है। इस वीडियो के अंदर हम अपने जो पीएम साहब इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस साहब, सीएम साहब, आईजी पंजाब, डीआईजी पंजाब पुलिस, इनको मुखातिब करेंगे, इनको और अपने तमाम स्टूडेंट से भी यही कहूँगा कि लाहौर एजुकेशन को का बायकॉट करें। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर उसका पैटर्न, सिलेबस सब कुछ बताया जाता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम होगा, किस टाइप का पेपर आएगा, तो बच्चे उससे के मुताबिक तैयारी करते हैं। आप तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये पंजाब पुलिस का पेपर हुआ है, तो उसमें ये क्या ड्रामाबाजी कही जाए या क्या सेटअप था कि बच्चों को सिलेबस कुछ बताया गया है, पेपर पूछा गया है। हाँ, हम मानते हैं एजुकेशन बोर्ड ने लिया है, तो एजुकेशन बोर्ड ये भी तो बता सकता था कि इतने सब्जेक्टिव होंगे, इतने ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर उन्होंने ऑब्जेक्टिव के दे दिए हैं और 60 नंबर का उन्होंने सब्जेक्टिव दे दिए। क्या उन्होंने ये बताया हमें कि हम 60 नंबर का सब्जेक्टिव भी देंगे? तो इसका जवाब दे कौन है? ये गवर्नमेंट को भी पता है कि काफ़ी अरसे के बाद ये पेपर हुआ है, एक साल के बाद, एक साल बच्चों ने तैयारी की है। जितने भी PPSC के एग्ज़ाम हो, FPSC हो, NTS हो, OTS, PTS जो भी हो, CSS का भी हत्ता के हो, वहाँ भी अभी CSS का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, तो वो भी MCQ बेस्ड है। हालांकि CSS का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, वहाँ सिलेबस बताया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं बताया गया? तो यही हमारी गुजारिश है खान साहब से कि प्लीज़ ये जो पेपर है इसको कैंसिल किया जाए और दोबारा किसी एजेंसी के थ्रू या चाहे एजुकेशन बोर्ड के थ्रू ही करवाया जाए, सब्जेक्ट पेपर लिया जाए या बच्चों को बताया जाए सिलेबस के आपका आगे ऑब्जेक्टिव पेपर लिया जाए। अगर सब्जेक्टिव लेना है तो फिर वक्त दे के दोबारा सब्जेक्टिव लिया जाए, और इन 3 मंथ के अंदर तो पूरी किताब की तैयारी भी होती, कौन बंदा तशरीह याद करे दोबारा, कौन जो है ये जो ट्रांसलेशन है इस्लामियात की वो करे, कोई हाफिज तो नहीं है यहाँ पे? तो हमारी यही गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से भी और चीफ जस्टिस साहब से भी कि वो इसका एक्शन लें और जो है बच्चों को इसका इंसाफ दिलवाएं। तो बाकी हमारी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो सारा सेटअप हुआ है इसके अंदर की कहानी भी सामने लेके आए कि लाहौर बोर्ड ने ऐसा क्यों किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अंदर की कहानी भी आएगी कि सब्जेक्टिव पेपर किस लिए दिया गया है, बताया कुछ नहीं और सब्जेक्टिव पेपर क्यों दिया है, और उसके बाद बाकी एग्ज़ाम ये जो पेपर है वो चेक किस तरह किया जाएगा, मार्किंग जो है इसकी वो किस टाइप की होगी, वो भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आपको बताएंगे। और आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये खान खान जो है हमारे PM साहब हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, चीफ जस्टिस साहब तक भी हमारी ये आवाज़ पहुँचे। इंशाल्लाह हम इंसाफ लेके ही हटेंगे और खान साहब से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिलाएं। पूरे 6 माह तैयारी करने के बाद आगे देखा है तो वही बिलावल भुट्टो वाले काम पे टांग गई हैं, पढ़ के कुछ गए, सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी की है, MCQs की तैयारी करके गए और वहाँ देखा है सब्जेक्टिव आया हुआ 60 नंबर का। इस तरह तो नहीं होता, पहले बताया जाता है हमेशा। तो प्लीज़ खान साहब स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाएं। अल्लाह हाफिज़।